अब हम विविध प्रकार के कार्बन यौगिकों के बारे में जानेंगे। हम शुरुआत जैविक यौगिकों से या हाइड्रोकार्बन से करेंगे। उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है क्योंकि उनमें कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के ही तत्व होते हैं। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन मीथेन है, बाद में इथेन, प्रोपेन और यह सूची बढ़ती जाती है। एक एक कार्बन को जोड़ते रहने से हम अलग अलग हाइड्रोकार्बन मिला सकते हैं। मीथेन का अणुसूत्र CH4 और इथेन का C2H6। इस प्रकार हमने ये यौगिक किस प्रकार तैयार होते हैं ये देखा। अब हम मीथेन तैयार करने के लिए एक कार्बन को चार हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ लेंगे, जिससे हम गेंद लकड़ी प्रारूप बनाएंगे। इस संरचना की खासियत है इसका पिरामिड जैसा आकार। इस प्रकार हमें CH4 की संरचना प्राप्त होती है। अब अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाले वह CH3 बन जाता है, जो एक अस्थिर यौगिक है क्योंकि यहाँ कार्बन की सारी संयोजकता की पूर्ति नहीं हो पाई है। इसकी पूर्तता के लिए हम कार्बन कार्बन बंध बना सकते हैं और इस प्रकार हम इथेन नामक एक यौगिक की निर्मित करते हैं जिसका आणविक सूत्र C2H6 है। आगे चलकर एक और हाइड्रोजन को CH3 से बदलने के उपरांत और कार्बन कार्बन एकल बंध निर्माण करने के पश्चात हमें प्रोपेन प्राप्त होता है जिसका रासायनिक सूत्र C3H8 है। CH3 को और एक बार जोड़ने से हमें ब्यूटेन प्राप्त होता है जिसका सूत्र C4H10 है। इस प्रकार हम CH3 को जोड़ते जाएंगे जिससे नए यौगिकों की निर्मित करते जाएंगे। चलिए इथेन की रेखा संरचना लिखते हैं। दो कार्बन बनाए, हर एक कार्बन के चार बंध होना जरूरी है। कार्बन के बीच की संयोजकता की पूर्ति के लिए अर्थात उसे भरने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग करें, जिसके कारण कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, जिससे अष्टक के नियमों का भी पालन हो पाएगा। क्या आपकी रेखा संरचना इस प्रकार दिखती है? हमें अगर इन्हीं अणुओं की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनानी हो तो हमें यह समझना जरूरी होगा कि इस बंध में दो इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से पास आए हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों तत्वों में साझे किए गए हैं। कार्बन कार्बन बंध में हर कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन दान करता है और यह प्रक्रिया होती है जब कार्बन हाइड्रोजन का बंध बनता है। इसलिए हम देखते हैं कि इथेन की इलेक्ट्रॉनिक डॉट संरचना इस प्रकार की है। इसी प्रकार से आप प्रोपेन और ब्यूटेन की भी रेखा संरचना बना सकते हैं। अगर हम ध्यान से इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन के अणुओं को देखते तो पाएंगे कि उनकी संयोजकता की पूर्ति एक हरे अर्थात एक ही बंध से पूर्ण हुई है। इसी कारण इन यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। इनके विपरीत असंतृप्त यौगिक भी होते हैं जिनमें कम से कम एक दोहरा बंध होता है, कभी कभी तिहरा बंध भी होता है। वे सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक ही या एक हरे बंध होते हैं उन्हें अल्केन कहते हैं। चलिए अब असंतृप्त यौगिक इथिलीन के बारे में जानते हैं। इसका अणुसूत्र C2H4 है। चलिए इस बात को भी अधिक गहराई से समझते हैं। यहाँ हमारे पास इथिलीन या इथीन है जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 है। अब हम हाइड्रोजन को बदलने की वही प्रक्रिया C3 के साथ यहाँ भी दोहराएंगे। इससे हमें प्रोपीन प्राप्त होगा जिसका रासायनिक सूत्र C3H6 है। फिर से एक बार CH3 को बदलने से हमें ब्यूटीन प्राप्त होगा जिसका रासायनिक सूत्र C4H8 है। इस प्रकार संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरह CH3 को जोड़ते रहने से हमें असंख्य प्रकार के यौगिक प्राप्त होंगे। अगर हम इसका संरचनात्मक सूत्र लिखने का प्रयास करें तो वह इस प्रकार होगा। कार्बन कार्बन पहला एक हरा बंध तैयार करेगा। इसके बाद हम कार्बन हाइड्रोजन बंध की पूर्ति इस प्रकार करेंगे कि उसमें चार हाइड्रोजन के परमाणु हो जाए। इसी कारण हम दो कार्बन हाइड्रोजन के बंध उससे जोड़ देंगे। दो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब कार्बन को उसका अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता रहेगी। इसलिए हम कार्बन कार्बन के बीच में एक और बंध बनाएंगे, जिस कारण यह दोहरा बंध बन जाएगा। यही उसकी रेखा संरचना होगी। अगर हम रेखा संरचना के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक डॉट संरचना देखें तो यह आसान होगा। हर एक कार्बन कार्बन बंध 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा। कार्बन और कार्बन दोहरे बंध बने हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हर कार्बन हाइड्रोजन एक हरा बंध है
जिनमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।